तो अभी हम जंगल के अंदर ही हैं, आपको जगह पड़ता है आपको चंपारण। चंपारण से कितना किलोमीटर होगा? होगा 20 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। हाँ, तो हमें रास्ते में एक फैमिली मिला है। फैमिली देखो, ये हस्बैंड है या वाइफ है, इनका बच्चा है। तो कैसे इनका होता है गुजारा? हर रोज का गुजारा होता है इन लोगों का, झाड़ू से होता है, लकड़ी से होता है। लकड़ी एग्जाम्पल में लो, लकड़ी यही ले लो, लकड़ी लकड़ी होता है, लकड़ी सूखा लकड़ी तोड़े और बेच के आते हैं ये, है ना अंकल? मैं सही बोल रहा हूँ? तो बताइए अपने बारे में। तो लकड़ी बेचे, लकड़ी बेचते हैं तो खाते हैं। अच्छा, ये बोल रहे कि लकड़ी बेचते तब खाना खाते हैं, है ना, हर रोज का? आपको रोड का सुविधा नहीं है आप लोग का? और ये है कि हम लोग जमीन तो हमारे पहले के हम लोग तो कमोटी में खरते थे। अच्छा, इसलिए कि आप मीरा है। हाँ। तो आपको खरते थे तो जगह जमीन थोड़ा दी। अच्छा, तो उसको मारपीट के भगा दिया, उसके बाद में इधर जंगल जान तक। अच्छा, मारपीट का मतलब, इनका बोलने का मतलब कहीं और थे तो वहाँ से इनको मारपीट के भगा दिया गया। तो अभी आकर रहता है जंगल में, रहते हैं जंगल। अपना कुछ घर है यहाँ पर? घर खुद बना लिया, जमीन नहीं है, मतलब जमीन सरकार का है, वहाँ अपना घर बना के रहते हैं। मतलब अपना घर इनका नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं है। देखो ये जो आपको चीज दिख रहा है, कोई झाड़ू हो गई है, ये कोई झाड़ू है, ये झाड़ू है आंटी, ये झाड़ू है, इसे झाड़ू बना के झाड़ू मारेंगे ये झाड़ू। मतलब इतना वो है यहाँ पर, झारखण्ड सरकार इतनी आपको वो है गिरी हुई है कि अपने आम जनता पर ध्यान नहीं दे रही है, ना लोग पर ध्यान दे रहे, ना कुछ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये बच्ची है, ये पढ़ाई नहीं कर रही अभी। और पढ़ाई करती है तुम? ना, तो कहाँ पढ़ेगी? इनके पास स्कूल ही नहीं यहाँ पर जंगल में, कहाँ स्कूल मिलेगा? ये पढ़ाई भी नहीं करते हैं, इतनी बड़ी हो गई है भाई। अभी हमारे यहाँ शहर, अगर यही आप मान लो कि अभी ये बच्ची रहती रहती शहर में, तो आपको 5-6 क्लास में रहती है ना, बट यहाँ पढ़ नहीं रही है। देखो खाने का यहाँ पर कुछ खाना ही नहीं है, यहाँ पर हर रोज खाते हैं कमाते हैं, इन लोग का टेंशन नहीं होता है। ज्यादा होता है लकड़ी बेचते हैं, लकड़ी खाना खाते हैं। चूल्हा भी कैसा है अंकल, आपको गैस मिला है कि चूल्हा? गैस कहाँ, सब लोग चूल्हा पर बनाते हैं। आदमी गैस भी लेता, गरीब पे कौन पूछता? अच्छा, हाँ सही बात है, गरीब पे कौन पूछता भाई। देखो ये तो आप कहाँ देखा नहीं है, कहाँ देखा, देखल सुनल है, किधर जाएंगे? हाँ सही बात, सही है, रोज कमाते हैं तो खाते हैं, इधर किधर जाएंगे हम, कहाँ कुछ सरकार जाएंगे फल्ला जूं लाने। हाँ बस सही बात है, इनका बोलने का मतलब ये कि हम सरकार से लड़ने जाएंगे, खाना जाएंगे। अगर उसी टाइम में जाते हैं लड़ने जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं ये, तो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उस दिन का खाना कौन देगा इनको देगा। इससे बढ़िया है कि भाई गरीब आदमी ये खाना जाते हैं, लेबर का काम करते हैं हर रोज का, इनको मिलता है 300 रुपए, उसी पैसा से खाना खाते हैं, प्लस में जंगल से लाते हैं लकड़ी, इस टाइप का लकड़ी इनके पास है नहीं, बट इस टाइप का लाते हैं लकड़ी। अच्छा, इनका गांव भी आगे है, तो बोल रहे गांव चलने के लिए, बट हमें लेट हो रहा है तो निकलेंगे अपने घर। तो सीन ऐसा है कि ये तोड़ के लाते हैं लकड़ी और उसी से खाना बनाते खाते हैं। चूल्हा है इनका घर में बनाया वाला मट्टी का, उसी पे खाना बनाते और खाते हैं। ये सीन ऐसा चल रहा है यहाँ पर जंगल में, जंगल का ये लाइफ है। और देखो शहर का क्या लाइफ है, शहर में लोग आते हैं आराम से लेजी वर्क करके, गैस पाए, खाना बना, खा के सो गए। बट जंगल का देखो, सुबह लोग मॉर्निंग में उठते हैं और निकल जाते हैं खाने, रोज हर रोज यही होता है सीन, होता है जंगल का, जंगल का ये सीन है। सो बताओ का ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह के साथ। बाकी छोटा सा परिवार चला गया, वो सीन ये होता है जंगल का, लकड़ी तोड़ो और उसको जलाओ, खाओ पियो, ये होता है। छोटा चूल्हा होता है मट्टी का, उसी पे खाना बनाते और खाते हैं। हमारी तरह नहीं है शहर की तरह कि भाई गैस पे गए, गैस पे अजी माचिस मारे, आग लग गया और खाना बना लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जिंदगी है आम जिंदगी, हर रोज तोड़ते लकड़ी एंड खाना उसी बनाते हैं, लकड़ी तोड़े घर गए ले जाके उस पर खाना बनाए, सीन ये होता है, ऐसा सीन है जंगल लाइफ का। तो चलते हैं अब, मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह के साथ। तो बाय बाय।